हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका मेरे न्यू वीडियो में। तो फ्रेंड, अभी मार्च का महीना स्टार्ट होने वाला है और गर्मी भी बढ़ रही है। हमारे इधर भी गर्मी बढ़ रही है, तो हमें पौधों की केयर किस तरह से करनी होगी पौधों के लिए। और अभी हमने फरवरी में काम भी किया है पौधों के साथ, हार्ड प्रूनिंग की है, तो उनको पावरफुल खाद की ज़रूरत है, पोषक तत्वों की ज़रूरत है जो हम केमिकल से नहीं देंगे। तो ऑर्गेनिक ऐसा कुछ फर्टिलाइज़र मैं बताऊंगी आप लोगों को, जिससे हमारे पौधे काफ़ी अच्छे से ग्रोथ भी करेंगे और उन्हें ठंडक भी महसूस होगी। ऐसा खाद, ऐसा फर्टिलाइज़र, आप उसे ठंडी वाली खाद भी बोल सकते हो, इससे हमारे पौधों को बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अभी गर्मियाँ बढ़ रही है तो पौधों को ठंडी खाद देना बहुत ज़रूरी है। 15-15 दिनों में हमें ये खाद अपने पौधों में डालना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारे सभी पौधों का विकास काफ़ी अच्छे से होगा। हमारे पौधों की पत्तियाँ जलेंगी नहीं, खासकर गुलाब की पत्तियाँ वगैरह जो न्यू न्यू शूट निकलते हैं वो ज़्यादा धूप की वजह से जल जाते हैं, काले पड़ जाते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। उसके लिए हमें कुछ ऐसा ठंडा फर्टिलाइज़र बनाना होगा जो हम अपने घर से और ऑर्गेनिक तरीके से बना सकते हैं, तो वही आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और उस दिन मैंने जो सावनी का पौधा लगाया था तो उसमें काफ़ी अच्छे से ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। तो सावनी का पौधा मैं पिछले साल से ली थी नर्सरी से, रेड कलर का, और एक है मेरे पास सफ़ेद कलर का जो मैं कटिंग से तैयार की थी। तो सबसे पहले हमें, अगर अभी आपने गुडाई नहीं की है तो हमें सभी पौधों में अच्छे से 15-15 दिनों में गुडाई करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि गुडाई से पौधों में फंगस भी नहीं लगता है, हवा पास होती है, हमारे पौधों के जो जड़ें होती है उनका विकास होता है। तो अगर आपने नहीं की है तो आप गुडाई ज़रूर किया करें, उससे जो फंगल वगैरह लगने के चांस होते हैं वो भी नहीं लगते हैं, मिट्टी अच्छे से सूख जाती है। वैसे तो अभी गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी है तो मिट्टी बहुत जल्दी सूख जाती है, फिर भी हमें पौधों के जो जड़े हैं उनके विकास के लिए गुडाई करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद हमें ध्यान देना है कि ज़्यादा केमिकल वाला, जैसे कि DAP पोटाश वगैरह ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि गर्मियों के साथ साथ वो केमिकल वाला खाद भी अगर हम अपने पौधों में डालते हैं तो हमारा ही नुकसान हो जाएगा, पौधे जल जाएंगे या धीरे धीरे करके सिकुड़ जाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए हमें अपने पौधों में अभी ठंडी खाद देना शुरू कर देना चाहिए, ताकि हमारे पौधों में ठंडक बनी रहे, जड़ें भी अच्छे से फैल सके। तो इसके लिए हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि हमें घर में जो भी फ्री की चीज़ें मिलती है, और ये देखिए सावनी का पौधा सफ़ेद वाला, तो जो भी हमारे घर में फ्री की ऑर्गेनिक चीज़ें मिलती है उन्हीं से हमें ठंडी खाद बनानी है अपने पौधों के लिए। तो मैं इस तरह से गुड़ाई कर लेती हूँ अभी सभी पौधों में, तो आप भी कर सकते हो। छोटे मोटे जो भी पौधे हैं हमारे पास, फूल वाले परमानेंट पौधे या सीजनल पौधे जो हमारे पास 12 महीने रह सकते हैं, उन सभी पौधों के लिए हम ये सब फर्टिलाइज़र डालेंगे। और इधर भी देख सकते हो, मैंने जो भी गुड़हल के पौधे प्रूनिंग किए थे, और यहाँ पे ये देखे, मैं मीशो से मंगवाई थी वो वाला, ये इस तरह से एक पौधा बचा तो उसमें ये फूल खिला है, कौन सा पौधा है पता नहीं। तो इधर भी है मेरे पास, ये देखिए डहेलिया के भी पौधे हैं और विंका के भी है, तो इन सभी पौधों के लिए हमें डालना ज़रूरी होता है। और यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे से, यहाँ पे थोड़ी छाव आती है इसीलिए अभी तक ये कलांचो के फूल खिले हुए हैं, काफ़ी फ्रेश लग रहे हैं। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने किस तरह से ठंडी खाद, ठंडा फर्टिलाइज़र बनाया है। तो यहाँ पे मैंने लिया है उबले, जिसे हम गोबर के कंडे भी बोलते हैं, उनको मैंने 3-4 दिनों से पानी में भिगो के रखा हुआ था, और उनको निकाल के यहाँ पे मैं इस तरह से रख दूँगी, फिर उनको बारीक कर दूँगी तो वो फिर से खाद बन जाएगा।
तो यहाँ पे मैंने 3-4 दिनों से भिगो के रखा था, आप देख सकते हो। उसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ हल्दी, और पहले से ही मैंने गोबर के कंडों के साथ साथ मैंने एप्सम सॉल्ट भी डाला हुआ था, और अभी मैंने डाला है लकड़ी की राख जिसमें पोटैश की मात्रा काफ़ी अच्छे से होती है, और हल्दी जो हमारे पौधों के जड़ों के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होती है। तो गोबर की खाद काफ़ी ठंडी होती है हमारे पौधों के लिए। तो इस तरह से मैंने डाल दिया है, सभी मिक्स कर दिया है और 2 दिन तक अच्छे से रहने दिया है। एप्सम सॉल्ट भी इसमें घोल मिल के अच्छे से मिक्स हो गया है, और अब हम इसको अपने सभी पौधों में डाल देंगे। तो ये बहुत ही अच्छी और ठंडी खाद होती है हमारे पौधों के लिए। तो आप इसे अपने घर में बना सकते हो बहुत आसानी से, और अपने सभी तरह के पौधों में इसे डाल सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।